घनी आबादी में खाली प्लॉट में डाला जा रहा है बायोमेडिकल वेस्ट। मुरादाबाद की नगर पंचायत महमूदपुर माफी के एक अस्पताल का बायोमेडिकल वेस्ट घनी आबादी में खाली पड़े प्लॉट में डालकर बीमारियों को दावत दी जा रही है। यह कारनामा एक झोलाछाप डॉक्टर तौफिक कर रहा है। इस झोलाछाप डॉक्टर ने सिर्फ नेचुरोपैथी में BNBS का फर्जी डिप्लोमा लेकर घर में ही बच्चों का अस्पताल खोल रखा है, जहाँ पर एक नहीं दो NICU की सुविधा भी कर रखी है। बच्चों को भर्ती करने के लिए भी बेड पड़े हैं। इस अस्पताल को झोलाछाप ने बच्चा क्लिनिक का नाम दिया है। जब मीडिया कर्मियों की नजर अस्पताल के सामने पड़ी खाली प्लॉट में फैले बायोमेडिकल वेस्ट पर पड़ी तो अस्पताल के स्टाफ ने अपना कहने से पल्ला झाड़ लिया। बिना पंजीकरण के इस अस्पताल पर ACMO की खास मेहरबानी है, इसलिए वर्षों से संचालित हो रहे इस अवैध अस्पताल पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। कोरोना के लिए जो हमारे पास कोविड की जो ये गाइडलाइन है, जैसे दूरी बनाना, ये सब करना, मशीन कोविड की चेकिंग के लिए। आप किस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों का? ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट है तो किस तरह का बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं? किस तरह के मतलब किस एज तक के बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं? 14 साल। अगर कोई बच्चा अगर कोई सारा सीरियस हालत में रहता है, जिसको मतलब खांसी वगैरह या संदिग्ध मामला हो उसका, तो उसको कैसे अपने यहाँ टेस्ट कराने के लिए कैसे जाता है? हम तो डॉक्टर के भेज देते हैं संभव। अच्छा अच्छा, तो अपने यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है? अपने यहाँ तो ये नॉर्मल बच्चे देखे जाते हैं। कितने बेड का हॉस्पिटल है? बेड नहीं है, तीन चार। तो पंजीकरण तो आपके नाम से होगा? हाँ। क्या नाम रखा जाता है? BNBS। BNBS कहाँ से किया? मेरठ साइड। किस बोर्ड से? ठीक, थैंक यू।